सलाम वालेकुम। ये मैसेज जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए है जो आजकल बड़े फुदक रहे हैं कराची के अंदर, समझे ना। और ये के भैया स्टॉप ब्लेमिंग एमक्यूएम फॉर द रॉ एजेंट, बिकॉज बर्तानिया ने तो प्रूफ तो कर दिया है मगर कुछ करता नहीं है बर्तानिया। बर्तानिया ने तो वो भी किया था करप्शन के अंदर, केस के अंदर भी, वो भी अब तक प्रूफ नहीं हुआ। और ये के रॉ का एजेंट तो अपने नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के उसमें से निकला है भैया, शुगर मिल में से। तो अल्ताफ हुसैन के घर वर से तो कोई नहीं निकला। और फिर ये कि तू बोल रहा है कत्ल कराते थे और ये कराते थे, अबे तो तू भी तो उसमें शामिल था, तू कहाँ चला गया था? किमाड़ी पे बैठा हुआ क्या बोटें गिन रहा था तू वहां पे, कि एक ये आ रही है एक वो जा रही है? बोट्स तो नहीं गिन रहा था तू कराची के अंदर बैठा हुआ, जो बोल रहा है कि एमकेएम ने इतने लड़के मरवा दिए और एमकेएम ने इतने मरवा दिए और एमकेएम ने ये कर दिया और एमकेएम ने वो कर दिया, सारी बुराइयां कर रहा है। प्रूफ तो शो कर, किसी एक का नाम लेके प्रूफ तो दे दे। और जो तेरे पीछे ये सारे बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं लुद्धे, समझे ना, लूजर, जो साले कभी कुछ कर ना सके कराची के अंदर, साला वो टारगेट क्लिंग के अंदर, वो तेरे पास जो नेक्स्ट में खड़ा हुआ है जिसने अभी जमानत कराई है अपनी, समझे ना, सारा भत्ता खोरी के अंदर वो इन्वॉल्व, सारे काम तो वो कर रहा था और ब्लेम दे रहा है एमकेएम को। भाई तू तो, मेरी ये समझ में नहीं आया कि तूने ब्लेम क्यों देना है एमकेएम को, है? ऊपर से फिर तू फारूक सत्तार की भी बातें कर रहा है बैठा हुआ। अबे फारूक सत्तार को एमकेएम ने घर नहीं दिलाया था, समझे तू? और फारूक सत्तार जो था वो डॉक्टर था और उसकी जो चीजें थी वो एमकेएम ने नहीं पे की थी सारी, समझ में आया आपके? और फारूक सत्तार मेयर बन गए थे यंग एज के अंदर, समझे। और फारूक सत्तार जो है वो अब तक जो है वो मतलब एक ऑनेस्ट उसमें से चल रहे हैं, फारूक सत्तार एंड जरीन मजीद, क्योंकि ये सब पीआईबी से हैं और मैं भी पीआईबी से ही हूं, समझे तू। तो मैं तुझे एक बात बता दूं, फारूक सत्तार के खिलाफ कोई बात मत करियो तू, समझे ना तू, क्योंकि नहीं तो फिर मैं बैठ के तेरे चिट्ठे पुट्ठे खोलूं बैठ के। 92 के अंदर तू ऑपरेटर था, तू कहां से भैया, तू क्या था तेरे अंदर जो अल्ताफ हुसैन ने देखा? क्या देखा? तेरी ब्यूटी और क्या देखा उसने? और तो कुछ नहीं देखा होगा उसने, समझे ना तू। जो तेरे उसने पढ़ाई भी पे किया एमकेएम ने, फिर तुझे घर भी दिलाया एमकेएम ने, और फिर तुझे मेयर भी बनाया एमकेएम ने, तुझे सारा कुछ एमकेएम ने कराया, और तू बोल रहा है कि मेरा, मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था। कहाँ गया था तू, पान लेने गया था? है ये बता भाई तुझे, कि तू पान लेने गया था कि क्या करने गया था भाई? तो एमकेएम में तू था मगर तूने कुछ किया नहीं एमकेएम के अंदर, है ना। सब जो था वो तेरी नाक के नीचे हो रहा था मगर तुझे नहीं पता था। तू एकदम से बिल्कुल इनोसेंट, यू नो, प्रीटी बॉय, यू नो, दैट्स आई कैन कॉल दैट यू वॉज अ प्रीटी बॉय फॉर एमक्यूएम, यू नो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो भाई मैं ये बोल रहा हूं कि बातें कम करना छोड़ दे और कुछ अपने नवाज शरीफ के ऊपर लगा, जो अभी पनामा लीक भी निकल आई उसके अंदर कितने प्रॉपर्टी है, लंदन के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, समझे ना। इस पे बात कर, इस पे छोड़ एमकेएम को। तू पहले अपने दूसरे जो लीडर बैठे हुए ना बड़े बड़े, उनका तो चट्टा खोल, एमकेएम यूकेएम करता है बैठा हुआ। अबे जब ये रेंजर चली जाएगी ना तो मैं पूछूंगा कि तेरी पैंट कहाँ है, समझे ना। सबसे पहले हम ही लोग पैंट उतारेंगे तेरी, तू देखता जा, तेरा वक्त तो आना है बेटा। और ये तेरे जितने पीछे खड़े ना सब भाग जाएंगे साले, और भाग के एमकेएम में घुसेंगे वापिस। प्लीज माफ कर दो अल्ताफ भाई, शट अप मैन, आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट शट अप एंड जस्ट स्टे क्वाइट बिफोर समथिंग हैपन टू यू। यू नो यू गॉट अ फैमिली मैन, टू बी टेक केयर योर फैमिली एंड रेस योर फैमिली विदाउट एनी फंडिंग फ्रॉम द अदर पार्टी, ओके? सो जस्ट बी केयरफुल व्हाट व्हाट यू से, यू नो। अभी तो टाइम है, बोल ले, रेंजर है वहां पे, सब कुछ है, तो तू बोल सकता है। जिस दिन रेंजर चली गई कराची से उस दिन तेरा क्या हाल होगा भाई?